It's going to be my first day back on college campus after 1 month break, and finally I am in my third year of college. We are the seniors now. Pata hi nahi chala kaise college ke 2 saal nikal gaye. मेरे हाथ में बस 40 मिनट्स है, तो मैं जल्दी जाती हूँ, रेडी होके आती हूँ, आई मीन हेयर टाई कर लेती हूँ. और इसे देखिए कैसे सो रहा है. और क्योंकि अभी मैं रेडी हो रही हूँ तो इसलिए दोनों उठ भी गए. So I am almost ready, actually totally ready. So I am leaving for my college. And hi, this is me, Shubhecha. Welcome back to my channel, The Lavender Girl. So stay tuned. अभी मैं बालीगंज फारी क्रॉस कर रही हूँ और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि चारों तरफ यहाँ पे होर्डिंग्स लगे हुए हैं. ये एक्चुअली साइन है कि कोलकाता में अब दुर्गा पूजा आने वाला है. मेरे घर से कॉलेज बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन अगर ऑटो सही से नहीं मिलता है तो प्रॉब्लम होता है. और मैं ऑटो इसीलिए ज़्यादा प्रेफर करती हूँ क्योंकि ऑटो बहुत टाइम सेविंग रहता है मेरे लिए. अब मैं पहुँच गई हूँ कॉलेज आफ्टर 1 month एंड वी आर नाउ इन 5th semester. तो अभी कॉलेज में सब कुछ वापस से देख के बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी हम लोग का क्लासरूम चेंज हो गया है. हम लोग को एक्चुअली 2 ईयर्स बाद अपना डिपार्टमेंटल क्लासरूम नसीब हुआ है. हम लोग इस रूम को एक्सेस नहीं कर पा रहे थे. सो हियर आर माय फ्रेंड्स. गुड मॉर्निंग सीनियर्स. और ये रहा मेरा डिपार्टमेंटल क्लासरूम जो कि बहुत अच्छे से सजाया हुआ है. आपको हर कोने में यहाँ पे क्रिएटिविटी नज़र आएगा. एंड ऑल थैंक्स टू माय डिपार्टमेंटल फेलोज़, उन्होंने बहुत मदद किया है इस क्लासरूम को ऐसे सजाने के लिए. एंड दीज आर माय फ्रेंड्स. और मैं यहाँ पे पेन चेंज कर रही हूँ क्योंकि मुझे एक्चुअली पाव रखने का जगह नहीं मिल रहा था, तो मैं पीछे से बेंच ला रही थी चेंज करने के लिए. और फिर हमारी प्रोफेसर आ गई एंड देन लेक्चर शुरू हो गया. सो टुडे वी हैड एन इंट्रोडक्टरी लेसन अबाउट व्हाट वी गोना स्टडी द एंटायर सेमेस्टर, एज वेल एज वी हैड अ स्मॉल लेक्चर अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट एंड व्हिच वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव एज वेल. अभी हम लोग का ऑफ पीरियड चल रहा है, तो हम लोग ने सोचा कि हम लोग नीचे जाके कुछ हल्का फुल्का स्नैक्स लेकर आते हैं. और हम लोग नीचे उतरते ही देख रहे थे कि हम लोग के कॉलेज के बिल्कुल ऑपोजिट में एक नया कैफ़े ओपन हुआ है, और इससे ज़्यादा खुशी की खबर तो हो ही नहीं सकती थी. तो हम सारे मिलके वहाँ चले गए. और ये रहे मेरे सारे दोस्त, एक्चुअली सारे नहीं है, आज बहुत कोई एब्सेंट भी थे. तो अभी हम लोग मेनू डिसाइड कर रहे हैं एंड वी आर कन्फ्यूज एज हेल. वी डोंट नो कि क्या ऑर्डर करें, कौन सा अच्छा रहेगा. वैसे ये कैफ़े अच्छा खासा डेकोरेटेड तो है. और ये रहा हम लोग का कॉलेज बिल्कुल ऑपोजिट में, और यहाँ पे है ये कैफ़े. देखिए छोटा है लेकिन बहुत अच्छे से सजाया हुआ है. और यहाँ सीधा हम लोग बैठे हुए थे एंड यहाँ पे मेरे कुछ दोस्त पिक्चर्स खींच रहे हैं. वैसे खाना ऑर्डर देना हो गया है, अभी हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं खाना आने का. तो इसलिए यहाँ पे अभी फ़ोटोग्राफी चल रहा है. मेरी दोस्त यहाँ पे पिक्चर्स ऑलरेडी खींच रही है और यहाँ पे ये खड़ी है. नेक्स्ट इन द क्यू. अगर बात की जाए कि इस कैफ़े में प्राइसिंग कैसा है, तो फिर इतना भी कुछ रीज़नेबल नहीं लगा मुझे, बिकॉज अभी मेनू में मैंने मैगी का ऑप्शन देखा था एंड मुझे बहुत ही ओवर प्राइसिंग लगा. बिकॉज वहाँ पे एक मैगी इट विल कॉस्ट यू 100 to 120 एंड आई थिंक बहुत ओवर प्राइस है. अगर बात खाने की क्वालिटी और क्वांटिटी की जाए तो वो ठीक ही थे. वैसे इन लोगों की एक प्लस पॉइंट ये है कि ये खाने में मैदे का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ आटे का ही इस्तेमाल होता है, विच इज़ काइंड ऑफ हेल्दी.
अगर टेस्ट की बात करें तो मुझे इतना भी कुछ खास नहीं लगा। छोले भटूरे और मोमोज वो काफ़ी अच्छे थे, लेकिन मैंने एक लिया था चिकन काठी रोल, वो इतना भी कुछ खास मुझे नहीं लगा। अभी जल्दी जल्दी खाना ख़त्म करके हम लोग जाएंगे वापस कॉलेज, क्योंकि कॉलेज में अभी हम लोग को जाके सेमिनार अटेंड करना है। सो वी आर बैक इनसाइड द कॉलेज कैंपस एंड अभी हम लोग जाएंगे ऑडिटोरियम के अंदर। मेरे लास्ट एक वीडियो में मैंने आपको जहाँ मेरे कॉलेज का टूर दिया था वहाँ पे मैंने ऑडिटोरियम को भी दिखाया था, लेकिन बाहर से उस वक्त ऑडिटोरियम बंद था, लेकिन आज सेमिनार था इसलिए ऑडिटोरियम खुला हुआ है, तो मैंने आपको ऑडिटोरियम भी दिखा दिया। तो आज के सेमिनार में कुछ ओरिएंटेशन होने वाला था कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में। और फिर हम लोग वापस आ गए अपने डिपार्टमेंटल क्लासरूम में, और अब मैं लौट रही हूँ वापस घर। और इसी के साथ ख़त्म होता है मेरा फर्स्ट डे ऑफ थर्ड ईयर इन कॉलेज। आई होप सो आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो फिर लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।